हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज जो ये वीडियो है वो है जीप कंपस क्यों खरीदनी चाहिए। तो हम ये आपको बताएंगे यही गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, क्या इसका जो प्राइस है वो जस्टिफाई करता है कि नहीं, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमको ये कार लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट से और सारा कुछ बताते हैं कि आपको क्यों प्रेफर करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है इसका डिजाइन। इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही सोवर और सिंपल है। आपको जैसा आज लग रहा है वैसे अगर 5 साल बाद भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, चाहे वो फ्रंट से देख लीजिए और चाहे आप इसको रियर से देख लीजिए। और जो इसका साइज है ना वो बहुत ही परफेक्ट साइज बना हुआ है, नहीं ज़्यादा बड़ा है और न ही ज़्यादा छोटा है, क्योंकि जो इसका साइज है क्रेटा और सेल्टस से थोड़ा बड़ा है और हैरियर से थोड़ा छोटा है। तो ये जो है आपको साइज में कहीं पर भी छोटा नहीं नज़र आएगा। और ये तो हो गया आपका साइज, और इस साइज की वजह से इसको आप चाहे सिटी में चलाइए चाहे हाईवे पर चलाइए, दोनों जगह बहुत आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं। घर में कोई लेडी है उसको भी आराम से ड्राइव कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इसका इंजन। इसका जो इंजन है ना वो 2 लीटर का इंजन है, 2 लीटर का इंजन है, 170 bhp की पावर देती है, जिसकी वजह से आपको अंडर पावर कभी भी नहीं लगेगा। क्रेटा और सेल्टस जो इंजन है वो 1500 cc के हैं, वो कहीं ना कहीं अंडर पावर है, मगर ये जो है इसका पावर एंड वेट रेशियो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत अच्छे ढंग से स्पीड पकड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक जो गियर बॉक्स है ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, 9 gears का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, और आपको एवरेज में भी काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि कम RPM पे ज़्यादा गियर्स में यह होता है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका सस्पेंशन। इसके जो चारों सस्पेंशन है वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, जो इसके सेगमेंट में इस तरह के सस्पेंशन नहीं आते हैं। सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे हैं, ड्राइव क्वालिटी में बहुत ही आपको आराम देते हैं, और गड्ढों पे अगर आप बहुत स्पीड में ले जाते हैं ना भाई तो पता ही नहीं चलता है। तो ये रहे इसके सस्पेंशन की क्वालिटी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है भाई इसका बूट। बूट में क्या है, ये है चाबी, और हमने यहाँ डबल क्लिक किया और बूट ओपन हो गया, जो हर कार वाले इसको प्रोवाइड नहीं करते। और फिर हम इसको डबल क्लिक करते हैं, ये अपने आप क्लोज हो गया। और आते हैं फिर आपको अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है भाई इसका ये, इसका जो है ये 8-way ड्राइवर सीट एडजस्टर। सभी में केवल 6-way होता है पर इसमें 8-way है। ये देखिए, इससे आपके बैकबोन को सपोर्ट मिलता है। अंदर आ जाते हैं, अगला पॉइंट बताते हैं आपको इसका, जो थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं इसको। इसका जो सनसेट है, ये सनसेट है ना, ये देखिए सभी लोग दे देते हैं पर जो है इसको ये स्लाइडर नहीं देते, ये पूरा स्लाइड कर सकते हैं, ये 100% वर्क करता है। देते सभी कार वाले हैं पर ऐसा कोई नहीं देता। तो ये रहा ये प्रैक्टिकलिटी इसकी। और अगला आता है इसका कैमरा। इसका जो कैमरा है, एक बार हम ऑन करके दिखा देते हैं आपको इसका कैमरा। इसके कैमरे की क्वालिटी देखिए, देखिए बिल्कुल ग्रास दिख रहा है कैमरे में, देखिए बिल्कुल आपको ग्रास दिख रहा होगा। कई गाड़ी वाले देते हैं, इवन आपको सिट्रोन में भी जो इससे महंगी है उसमें भी इस तरह से कैमरा नहीं देता है, चाहे वो हैरियर हो चाहे क्रेटा हो, इवन MG एस्टर भी इस तरह की क्वालिटी नहीं देता। आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी इसका लाजवाब है, 360 डिग्री कैमरे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट है इसका आर्मरेस्ट। देखिए आर्मरेस्ट सभी देते हैं पर जो स्लाइडर है वो आर्मरेस्ट कोई नहीं, हर कंपनी वाले स्लाइडर आर्मरेस्ट नहीं देते, ये स्लाइड कर जाती है।
अब आ जाते हैं बाहर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है और जो इसका 10.1 इंच का स्क्रीन है ना, वो बहुत लाजवाब है। वो FHD को सपोर्ट करता है और ड्राइव क्वालिटी तो ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको जीप कंपस क्यों खरीदनी चाहिए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम आपको बताना भूल गए थे। अगले वीडियो में हम बताएंगे हम इस कार को लेने से पहले कौन कौन सी कार का टेस्ट ड्राइव लिए थे, वो सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।